फरीदाबाद सेक्टर 2 निवासी हार्डवेयर व्यापारी आदेश मित्तल उम्र लगभग 47 वर्ष की हत्या का मामला क्राइम ब्रांच ने 48 घंटे के अंदर सुलझा लिया। एसीपी क्राइम अनिल कुमार के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच डीएलएफ और ऊंचा गांव ने संयुक्त ऑपरेशन कर 3 आरोपितों को आनंद विहार दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपितों में गांव तिगांव निवासी प्लम्बर राकेश पाराशर, बल्लभगढ़ निवासी राहुल शर्मा और गोहाना सोनीपत निवासी विजय पाराशर शामिल हैं। आरोपी राहुल आरोपी राकेश का भांजा है और आरोपी विजय आरोपी राहुल का दोस्त है। आरोपी विजय इससे पहले लूट व चोरी की वारदातों में शामिल रहा है और इसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। जिस समय आरोपी विजय जेल में था तो उसके सर काफी कर्जा हो गया था। इसी बीच आरोपी विजय की दोस्ती आरोपी राहुल के साथ हुई और इसी तरह राहुल और विजय की जानकारी हो गई। पैसों के लालच के चलते तीनों आरोपियों ने व्यापारी को लूटने की योजना बनाई। आदेश मित्तल तिगांव में प्रेम हार्डवेयर स्टोर नाम से हार्डवेयर की दुकान करते थे। हार्डवेयर की दुकान पर प्लम्बर की जरूरत रहती है, इसलिए प्लम्बर का काम करने वाला राकेश पाराशर उन्हें पिछले 10-12 सालों से जानता था। राकेश काफी कर्जे में दबा हुआ है। कर्जा उतारने के लिए उसने अपने भांजे राहुल शर्मा और विजय पाराशर के साथ मिलकर आदेश मित्तल का अपहरण कर लूट व फिरौती की योजना बनाई। राहुल और विजय के ऊपर भी कर्जा है, इसलिए दोनों साजिश में शामिल हो गए। राकेश को अनुमान था कि आदेश मित्तल रोजाना 2-3 लाख रुपए की बिक्री करते हैं, वहीं 4-5 लाख रुपए वो उसके परिवार वालों से फिरौती के रूप में मंगवा लेगा, जिसके लिए आरोपी राहुल अपने गांव से कट्टा और आरोपी राकेश चाकू लेकर आया। वहीं आरोपी विजय वारदात को अंजाम देने के लिए 15 अप्रैल को दिल्ली से एक को वैन चोरी करके लाया था। योजना के तहत कार्य करते हुए आरोपियों ने 18 अप्रैल को व्यापारी की रेकी करनी शुरू कर दी। तीनों आरोपित आदेश का अपहरण कर लूट व फिरौती की साजिश पिछले 10 दिन से रच रहे थे। विजय पाराशर दिल्ली में टैक्सी चलाता है। इसके बाद उन्होंने आदेश की रेकी कर उनके घर से दुकान आने जाने की जानकारी जुटाई। वारदात वाले दिन रविवार की रात करीब 9:45 बजे व्यापारी आदेश दुकान बंद कर अपनी ब्रेजा कार से घर के लिए निकले। बदमाशों ने दुकान से ही इको कार में आदेश की ब्रेजा कार का पीछा शुरू कर दिया। रास्ते में उन्हें आदेश को रोकने का मौका नहीं मिला। आरोपी तिगांव से व्यापारी की गाड़ी का पीछा करते हुए सेक्टर 2 पहुंचे और व्यापारी के घर से लगभग 200 मीटर पहले गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही व्यापारी ने गाड़ी रोक दी और आरोपियों ने व्यापारी को गाड़ी से नीचे उतारने की कोशिश की, परंतु जब व्यापारी नीचे नहीं उतरा तो उन्होंने उसे चाकू मार दिया। घायल अवस्था में व्यापारी को आरोपी इको गाड़ी में डालकर ले गए। उन्हें आदेश की जेब से महज 5,000 रुपए मिले। तीनों आदेश के परिवार वालों से फिरौती की कॉल करने वाले थे। राकेश ने गमछा से अपना चेहरा छिपाया हुआ था। गमछा खुल जाने से आदेश ने उसे पहचान लिया। व्यापारी ने आरोपी राकेश से कहा कि वो जितना पैसा चाहिए उसे लाकर दे देगा, लेकिन मुझे छोड़ दे। परंतु आरोपी राकेश ने सोचा कि अब उसकी पहचान हो गई है और यदि व्यापारी जिंदा बच गया तो वो पुलिस को बता देगा और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। पकड़े जाने के डर से तीनों घबरा गए और उन्होंने वहीं खुखरी से गोद कर आदेश की हत्या कर दी और छायसा रोड हीरापुर के पास उसके शव को फेंक दिया। इस घटना के दौरान इको गाड़ी में काफी खून लग चुका था। खून के निशान मिटाने के लिए आरोपी गाड़ी को जंगल में ले गए और गाड़ी को आग लगा दी और फरार हो गए थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी हत्या के बाद नैनीताल में छिपना चाहते थे ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना सके, लेकिन कोरोना के चलते उन्हें वापस दिल्ली में ही लौटना पड़ा। आरोपी नैनीताल में छुप जाते तो पुलिस के लिए ढूंढना उन्हें बहुत कठिन होता। क्राइम ब्रांच ने बेहतर काम किया है। महज 12 घंटे में आरोपितों का पता लगा लिया था और 48 घंटे के अंदर उन्हें दबोच लिया गया। वारदात में 3 लोग शामिल थे, तीनों को दबोच लिया है। क्राइम ब्रांच डीएलएफ सब इंस्पेक्टर ब्रह्म प्रकाश ने सभी आरोपितों को जिला अदालत सेक्टर 12 में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों का 1 दिन का रिमांड दिया। आरोपियों का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया, जिसमें 2 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 1 दिन के पुलिस रिमांड में पुलिस आरोपियों से क्या क्या पूछताछ करेगी। जिला अदालतों को भी यह सोचना चाहिए कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने में अपनी जी जान लगा देती है। ऐसे में आरोपियों के मात्र 1 दिन के रिमांड से पुलिस को क्राइम सीन को समझना, सबूत और कड़ियों को जोड़ने में दिक्कत आ सकती है। अपराधी अपराध करके किसी भी कीमत पर न बच सके, ऐसे में जिला अदालतों को अपराधियों का पुलिस रिमांड ज्यादा से ज्यादा दिन का देना चाहिए। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।